सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जनगण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिसे कुदरत ने बेशुमार खनिज संसाधनों से नवाजा है। खासतौर पर कोल और आयरन जैसे प्रमुख खनिजों के लिए प्रदेश प्रमुख गढ़ रहा है। प्रदेश में कोल खदानों में माइनिंग की जिम्मेदारी फिलहाल SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पास है। कोयले की बढ़ती डिमांड को देखते हुए SECL नई कोल खदानों को शुरू करने की योजना बना रहा है जिसका खुलकर विरोध शुरू हो गया है। SECL पर किसानों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि वो जमीन अधिग्रहण के बाद अपने वायदे नहीं निभाता। अहम बात ये कि ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। आखिर कौन कर रहा है नई खदानों का विरोध और क्यों, देखते हैं पूरी रिपोर्ट फिर करेंगे चर्चा। देखिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि हमारे विस्थापित हमारे जो भूमि पुत्र लोग हैं उनको वो मुआवजा वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनकी वो अधिकारी हैं। तो ये सारी चीज़ों में दुखी करती हैं। SECL पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग नहीं दे रहा है। ये हैं कोरबा से कांग्रेसी सांसद ज्योत्सना महंत, जिन्होंने SECL की नई कोल खदानों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि SECL प्रबंधन न तो भू विस्थापितों को सही मुआवजा देता है और न ही लोगों का सहयोग करता है। महंत के बयान को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि SECL कुसमुंडा कार्यालय के सामने बीते 88 दिनों से अपने हक के लिए धरने पर बैठे भू विस्थापित इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। SECL द्वारा जमीन अधिग्रहण के सालों बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें सही जगह जमीन मिली और न ही वायदे के मुताबिक नौकरी। गांव निकले 20-25 साल हो गए, अभी तक हमें रोजगार नहीं मिल पाए। रोजगार के लिए अभी हमन आंदोलन कर देता था लेकिन शासन प्रशासन हमन कुछ नहीं सुनना थे। हम लोग की स्थिति इतना खराब है कि हम लोग कैसे खा पी रहे उसकी सोचकर बहुत परेशान होकर पूरा डिप्रेशन में। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो अधिकार रहता है, जो मुआवजा है, पेड़ का मुआवजा है, नौकरी है, वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। एक तरफ किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ SECL बढ़ते कोल डिमांड को देखते हुए आने वाले दिनों में नई खदानों के लिए भटगांव के मदनपुर समेत पेलमा दुर्गापुर केतकी अंडरग्राउंड खदानों में MDO के जरिए संचालन की कार्य योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अब तक ये प्लान केवल कॉन्सेप्ट लेवल पर है। इसके अलावा SECL की कोरबा दीपका और रायगढ़ में बैलेंस लैंड के तहत जमीन लेने की योजना भी है ताकि वहां भविष्य में खदानें शुरू की जा सके। चलिए अब आपको सुनवाते हैं भू विस्थापितों मुआवजे और रोजगार को लेकर SECL का क्या कहना है। जितने भी हमारे जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं या भू विस्थापित भाई लोग हैं उन सबको मुआवजा या रोजगार की जो भी नियमों के अधीन पात्रता रखते हैं उन सबको दिया जा चुका है, दिया जाता रहा है और भविष्य में भी जो है जैसे भी सरकार के लागू नियम रहेंगे उनके तहत SECL काम करेगी। मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। चूंकि मामला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है तो दोनों पक्ष कहते हैं कि जो भी जनता के हित में होगा उस दिशा में काम करना चाहिए। स्थानीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय लोगों के बातों को सुन करके उनके हित रक्षा के लिए इस तरह की बात कही होगी। अगर जब प्रबंधन उस बात को सॉर्ट आउट करेगा तो हो सकता है कि सांसद महोदय उसके लिए आगे अपना मंतव्य बदले। अपने राजनीति को लेकर के लोग करते रहते हैं और उनका जो दृष्टिकोण होगा उन्होंने किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दे में जहां जनता के हित हो, जहां प्रदेश का हित हो, वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित बाद में आने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि देश में कोयला आपूर्ति को लेकर SECL की बड़ी भूमिका है। पावर प्लांट से लेकर बड़े उद्योगों तक SECL ही कोयले की आपूर्ति करता है, लेकिन SECL प्रबंधन पर जमीन अधिग्रहण के बाद अपने वायदे न निभाने को लेकर लगे आरोपों पर बार बार विवाद की स्थिति बनना कई सवालों को जन्म देता है। कोरिया से सतीश गुप्ता और कोरबा से धीरज दुबे के साथ जितेंद्र थवायत, IBC24 बिलासपुर। समस्या आज की नहीं है, समस्या बरसों पुरानी है। 1950 से ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन जिन जमीन के बदले जिन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, जिनकी जमीन एक एकड़
44 डिसमिल से ज़्यादा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी 3 एकड़ ज़मीन भी अधिग्रहण कर ली गई लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है और ना ही उनको नौकरी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी भी नहीं है और वहाँ से SECL कोयला निकाल रहा है और उनका ज़मीन पर हक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, दोनों पार्टियों से हमारे पास प्रतिनिधि हैं और डॉक्टर विनय जायसवाल हैं जो मनिंद्रगढ़ के विधायक भी हैं और जो कोयला क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रजनीश सिंह जी हैं जो बेलतला से विधायक हैं और उस जगह से आते हैं जहाँ पर SECL का मुख्यालय है, यानी कि बिलासपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल जी आपसे बात कर ली जाए, चूंकि आपकी पार्टी की सांसद हैं, आपकी पार्टी की यहाँ सरकार है, आप वहाँ से विधायक हैं और आपको मालूम है कि मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर यहाँ पर क्या स्थिति है, लोग बाग किस तरह से परेशान है, लगातार परेशान है और ये हम भी देखते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, जब से खबरों के मामले में वाकिताब होता है तब से हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा पूरी जगह नहीं है लेकिन है बहुत सारी जगहों पर। आपका क्या अनुभव कहता है और इसका क्या समाधान है? श्री जी, निश्चित रूप से आज का जो डिबेट का विषय, आप मुझे समय भी देंगे क्योंकि ये SECL के मुद्दे पे और कोयले के मुद्दे पे आपने डिबेट रखा है। माननीय सांसद महोदय का जो बयान आया उस परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनकी भी बयानों को सुना, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही सतही बातों की जो बातें की है माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ऐसा उनसे उम्मीद भी नहीं था। सीरीज, मैं चूंकि कोयलांचल क्षेत्र से आता हूं और मेरी चिरमिरी है जो पूरे छत्तीसगढ़ की एक बड़े कोयला उत्पादक जो नगरी है उसके रूप में चिरमिरी की पहचान है, मेरे अपने हिल स्टेशन की पहचान। सीरीज जी, 1950 नहीं बल्कि 1932 देश के आजादी के पहले से जो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो कोयलांचल है वो लगातार देश में ऊर्जा प्रवाह कर रहे हैं और जो देश की जो ऊर्जा जरूरत है उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। श्री जी, आज यहाँ पीढ़ियां लगभग जो पांचवी और छठवीं पीढ़ी जो है वो निवासरत है, इन क्षेत्रों में निवासरत है। आज छठवीं पीढ़ियों के सामने ये नौबत आ गया है, कोयले से जुड़े हुए कामगार हो उनकी बात करें या कोयले से जुड़े हुए जो यहाँ रोजगार कर रहे हैं जो व्यापारी है उनकी बात करें। आज जो जिस चिरमिरी में मैं रहता हूँ, एक समय ऐसा था आज से 20-25 साल ये थी कि यहाँ 28,000 कामगार काम करते थे, आज स्थिति ये है कि यहाँ मात्र कम कामगार है और लगातार ठेका पद्धति से जो भी ये सरकार आई हुई है और जो माइनिंग ऐसी सीरीज, मुद्दा ये है कि जब से कॉमर्शियल माइनिंग को भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति दी है, सीरीज ये बात को समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये देश का मुद्दा है, ये केवल प्रदेश की बात नहीं है, ये केवल एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। जिस तरह से मोदी जी की सरकार आने के बाद, अभी मैं इसका जवाब भी चाहूंगा रजनीश जी से, जो प्रश्न मैं आज आपके इस डिबेट के माध्यम से उठाना चाहता हूं, जिस प्रकार से 3 कृषि कानून जो काले कानून को वापस लिया है मोदी जी की सरकार ने, इसी समय इन्होंने जब इंदिरा जी ने जिस प्राइवेट माइनिंग को बंद करके 80 के दशक में जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और केवल उद्योगों को उतने ही खनन का अधिकार दिया गया था जितनी उनको जरूरत है, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति सरकार आने के बाद, उन्होंने कोल नीति में बदलाव किया और उनके जो पीयूष गोयल यूनियन कोल मिनिस्टर थे उस समय ये अमेंडमेंट आया, ये विधेयक में संशोधन आया कि अब हम कॉमर्शियल माइनिंग को भी परमिशन दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए श्री जी, इसमें कोई विरोधाभास या कोई विरोध वाली बात नहीं है। आप केवल और केवल जिस माइंड को कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा जी ने नो प्रॉफिट नो लॉस में केवल यहाँ के लोगों के हक की पूर्ति हो, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले, युवाओं को नौकरी मिले, लोगों का मुआवजा मिले, इन सब नीतियों को बनाने का काम किया, वही मोदी जी की सरकार ने आके कॉमर्शियल माइनिंग को खोल के उद्योगपतियों को कोयले का उत्खनन करने का पूरा अधिकार दिया। प्लीज जी, उसका जो दुष्परिणाम अभी देखने के लिए मिल रहा है, SECL अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है,
एसईसीएल जिन जमीनों पे माइनिंग की है, जिसमें ओपन कास्ट बना है, जहां उनको समतल करके वापस करना है, राज्य सरकारों को वापस करना है, वहां लोगों को नई अगर खदान खोलनी है तो उनको मुआवजा देना है, वहां उनका उनके जो नौकरी की व्यवस्था करना है, इन सब चीजों को छोड़ के एसईसीएल ऐसी स्थिति में आज आ गई है कि एसईसीएल को बंद करने का नौबत आ गया है। आज श्री जी ये जो जो देश की जो बोलते हैं ना कि नवरत्न कंपनियों में से एक है, जो नवरत्न कंपनी जो कभी नेहरू जी इंदिरा जी ने जो देश में देश को दिया था, आज उन नवरत्न कंपनियों की स्थिति ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर है उसके लिए इनको बंद करने की नौबत आ गई है। आज जहां 80,000 एक लाख रुपए हमारे श्रमिकों को मिलता है, कोल श्रमिकों को मिलता है, यहाँ इंजीनियर्स को मिलता है, जो माइनिंग में काम करते हैं उनको मिलता है, आज नौबत यह है कि 8,000 और 12,000 रुपए में अंडरग्राउंड में जाके 12-12, 14-14 घंटा लोग जो प्राइवेट के जो लोग हैं वो काम करवा रहे हैं। तो ये स्थिति है श्री मिश्रा जी। और जो बात है, जो माननीय सांसद महोदय ने जो बात रखी है कि लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात कहां से गलत है श्री मिश्रा जी, आपसे मैं बोलना चाहता हूँ। क्या लोगों को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद विनय जी दोहन करने के बाद आप ये करेंगे कि भाई उनको अनाज छोड़ देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, कुछ उनका रिहेबिलिटेशन नहीं होना चाहिए क्या? अगर ये मुद्दा उठाया है तो बहुत जायज मुद्दा उठाया है, और इसके ऊपर तो बड़े बड़े आंदोलन करेगी कांग्रेस के लोग। विनय जी मेरा एक सवाल है, क्या ये समस्या आज की है या अभी पिछले 3-4 साल में आई है, या एसईसीएल लगातार ऐसा ही करता रहा है जो उसका इतिहास रहा है? देखिए श्री जी, निश्चित रूप से जो एसईसीएल का प्रबंधन है उसको ये मतलब नहीं होता है कि जो क्षेत्र जो है, जो कोयलांचल क्षेत्र है, उसका हम रिहेबिलिटेशन कैसे करें, उसका हम विकास कैसे करें। डीएमएफ का फंड, सीएसआर का फंड अगर आप देखेंगे, इन 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र ये राज्य में सरकार थी, इसके बाद केंद्र में लगातार 7 साल से मोदी जी की सरकार है, सीएसआर का कितना बड़ा बड़ा घोटाला किया, अगर उसके डेटा देखेंगे उसको निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा बंदर बांट पूरे पिछले 7 सालों में हुआ है। श्री जी निश्चित रूप से मैं ये नहीं बोलता हूं कि प्रबंधन का ये रवैया ये अभी का है, कोई पुराना नहीं है। ये प्रबंधन जो प्रबंधन का जो कुप्रबंधन है वो निश्चित रूप से ये चलिए आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में आई नरेंद्र मोदी की, उसके बाद जो कमर्शियल माइनिंग के लिए जो परमिशन दी गई उसके बाद से इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। रजनीश जी भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी आपको क्या लगता है, जो बात डॉक्टर विनय जायसवाल कर रहे हैं, जिस बात को डॉक्टर ज्योत्सना महंत ने उठाया है, वो किस तरह वो कितनी सही है? मिश्रा जी मैं अभी हमारे मित्र भाई डॉक्टर विनय जायसवाल जी की बात को सुना हूँ, और वो मेरे से कुछ जानना चाह रहे थे लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे से क्या जानना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं अब शुरुआत उन्हीं की बातों से करता हूँ कि आज के मुद्दे पर वो जो जानना चाह रहे हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी जी 2-3 बार जिक्र किया 1984 तक के, उनको 84 से 89 तक राजीव गांधी जी थे शायद उनको याद नहीं होगा, 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी थे शायद याद नहीं होगा, और 2004 से 2014 तक इन्हीं के पार्टी के 10 साल माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जिक्र नहीं किया। और उनके समय में कितने कोयला खदानों का आवंटन का, अभी वो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, कितने खदानों को चना मुर्रा टाइप का, मैं छत्तीसगढ़ में चना मुर्रा बड़ा प्रसिद्ध है, तो चना मुर्रा टाइप का बांट दिए थे, कोई भाई को, चाचा को, मामा को, काका को, पहले आओ पहले पाओ। और क्या हश्र हुआ उस विषय में मैं अभी फिलहाल जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप जब रहते तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि विषय पर रहूँ, इसलिए इनको थोड़ा से बात को ध्यान रखना चाहिए कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या इनकी स्थिति बनी, और कितने कोल ब्लॉक, कितने का घोटाला देश ने देखा था, और सबके सब जो कैबिनेट का फैसला था उसको निरस्त करना पड़ा इनको। और उसके बाद माननीय मोदी जी के आने के बाद पारदर्शिता के साथ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ अभी पारदर्शिता के साथ कोल का आवंटन हो रहा है। और ये डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ लग जाते हैं 7 साल में हुआ। मिश्रा जी अभी हम सब देख रहे हैं कि कोयले के उत्पादन में कमी आई है, बिजली का संकट है, और छत्तीसगढ़ में भी राजस्व की कमी है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभी ये तो सिर्फ लिस्टिंग है मिश्रा जी, अभी इसका कोई फाइनल ये नहीं हुआ है ऑर्डर, अब ये लिस्टिंग हुआ है 9 ब्लॉक में, अभी 5 शुरू करेंगे, और उसमें राज्य सरकार का क्या रवैया रहा है? हमारे मित्र को याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने भी एक पत्र लिखा था
कि जो लेमरू प्रोजेक्ट है उसका 1950 स्क्वायर फीट बढ़ाया जाए। इन्होंने बाद में उसको यू टर्न लेते हुए लिखा था कि नहीं, जनता की मांग है कि उसको कम किया जाए, जो एलिफेंट रिजर्व एरिया है उसको कम किया जाए। उस कम करने के मांग के लिए इन्होंने लेटर लिखा है। और आदरणीय सांसद जी ने जो बात उठाया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार एनओसी देती है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि हम यदि ऐसा है तो एनओसी क्यों दें। लेकिन एसीसीएल के अधिकारी का भी बयान मैं सुना हूं, ये निश्चित रूप से ऐसे कई बार हम जेन्युइन समस्या देखे हैं कि कुछ लोगों को रहता है जिनका मुआवजे का मामला हो या नौकरी का मामला हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो राज्य सरकार को 3 साल में इसमें कैंप लगाना चाहिए था कि जो हड़ताल में बैठे हैं, जिनकी डिमांड है, वास्तव में वो पात्र है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसमें कई तकनीकी प्रॉब्लम भी रहती है, उस दिशा में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जब एक बार मुआवजा के बाद क्या नियम है। और जहां तक मेरा मानना है कि यदि अभी किसी प्रकार का अधिग्रहण हो रहा है तो चाहे एनटीपीसी हो, एसीसीएल हो या राज्य सरकार का हो, उसमें भू विस्थापन का जो नियम है उसको फॉलो करना, मुआवजा देना ये लगभग अनिवार्य है, नहीं तो एक मिनट में कोर्ट में वो सब काम रुकता है। इसलिए इसमें यदि कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो आदरणीय सांसद जी ने कहा है कि हम इनको इसका परमिशन नहीं देंगे, तो राज्य सरकार को चाहिए इसमें बयान दे कि क्यों आदरणीय सांसद जी बोल रही हैं, किन नियमों का उसमें उल्लंघन हो रहा है, किसको रोजगार नहीं मिला जिनका जमीन लिया गया। और 7 साल में इनको आंकड़ा रखना चाहिए कि कौन कौन जमीन को अधिग्रहण इस 7 सालों में, माननीय कोयला मंत्री जी की बात जो कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, अरे हमने तो पारदर्शिता बनाया है डॉक्टर साहब, पारदर्शी तरीके से हो रहा है और उसमें राजस्व के इनकम हो रहा है। आप सीएसआर मत में घोटाले की बात कर रहे थे, डीएमएफ फंड किसने दिया, शुरू किया, आपको याद है? आप जितने प्रधानमंत्री का नाम लिए हैं, मैं लिया हूं, उस समय नहीं मिला है। 2016 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डीएमएफ फंड का प्रावधान किया, जिसकी राशि आपको मिलती है, जिस राशि की बात कर रहे हैं, सीएसआर राशि तो आप जोड़ दीजिए 50-70 साल का, और डीएमएफ को जोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ को इन 5 सालों में कितना मिला है, तो आपको समझ में आएगा कि डीएमएफ फंड जो शुरू हुआ है, माननीय मोदी जी ने उस विकास उस क्षेत्र के लिए, प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के लिए किया है, आप लोग कहां किए हैं। इसलिए इस विषय पर माननीय जायसवाल जी राजनीति बंद कीजिए, देश की आवश्यकता है, कोयला की आपूर्ति में कमी आ रही है, बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है। और मिश्रा जी, एक अंतिम बात इस पहले सत्र में बोलते हुए बात समाप्त करूंगा, हमारे अभी माननीय जो मंत्री हैं वो आए थे बैठक लेने, उन्होंने सब इन बातों को जनप्रतिनिधियों से मिले, बड़े अधिकारियों से मिले, और उन्होंने साफ निर्देश दे के यहाँ से, उस समय जब आए थे तो यहाँ से गए हैं, कि जो भी विस्थापित है, जिनका कोई नौकरी का मामला है, उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके करें, और लगातार प्रयास चल रहा है। हमारे मंत्री तो वहां बैठ के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा करके आए। आपका एक आध बार मेरे को नहीं याद आता कि इन 25-30 सालों में जब आपकी सरकार रही है तो कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो इस विभाग का मंत्री हो, चाहे आके यहाँ पर इस तरह की समस्या सुलझाए। हमारे चाहे पीयूष गोयल जी है वो भी आए थे, चाहे जी रजनी जी, मैं ज्योत्सना महंत जी की इस बात पे भले ही ना जाऊं कि वो खदानों को खुलने नहीं देंगी, लेकिन जो वो समस्याओं के बारे में बात कर रही हैं उससे आप वाकिफ हैं या नहीं है? मैं कहा हूं मिश्रा जी, मैंने कहा है कि जेन्युइन मामला कभी कभार किन्हीं तकनीकी कारणों से रहता है कि किसी को मुआवजा कम मिल गया या मुआवजा नहीं मिला या नौकरी नहीं मिला, लेकिन ये बहुत कम है अभी के हिसाब में। मैं अधिकारियों से, हमारे पास भी जो हमारे ऐसे लोग हैं आते रहते हैं, अधिकारियों से चर्चा। रजनीश सिंह जी का कहना था कि जो केंद्र में सरकारें रही हैं उसमें से जो मंत्री थे वो कितने बार जाके प्रभावितों से मिले। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जो मैंने समस्याओं के बारे में बताया वो आज की समस्याएं नहीं है, 1950 जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 1932 से कोल माइंस ऑपरेटेड हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक केंद्र में रही है, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही है, और कई प्रकरण ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। और जैसा कि रजनीश सिंह जी ने कहा कि कुछ मामले हैं, सभी मामले वैसे नहीं हैं, तो आपकी जो सांसद हैं, आपकी पार्टी की जो सांसद है, कोरबा की जो सांसद है, जिनके क्षेत्र में ज़्यादातर जो कोयला क्षेत्र आता है, वो जो बात बोल रहे हैं कि नई खदानें नहीं खोलने देंगे, तो आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? जो मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं या जो कमर्शियल माइनिंग के लिए बात करने जा रहे हैं उस पर, यदि उस पर बात करेंगे तो फिर कोलगेट की बात आएगी। देखिए श्री जी, जो माननीय हमारे
विधायक जी हैं रजनीश, इनको मैं बहुत गंभीर व्यक्ति मानता हूँ और बहुत ज्ञानवान भी हैं है और दोनों हम लोग जी और दोनों हम लोग पहली बार विधायक बन के आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि रजनीश जी की हालत जो है वो भीष्म पितामह की तरह कि दुर्योधन का साथ कैसे भी करके देना है, क्योंकि हस्तिनापुर से जो है उनकी जो प्रतिबद्धता जो है वो बंधी हुई है। श्री जी बहुत ही छोटा सा ये समझ है श्री जी, देखिए बाकी सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि देश में कोयले का उत्खनन आजादी के पहले हुआ और 30 के दशक में चालू हुआ, मैंने 70 और 80 के दशक की बात की कि वहां उस समय कमर्शियल माइनिंग को बंद करके उसका सरकारीकरण किया गया, उसमें उन्होंने कुछ कुछ बिंदुओं को उठाया, खैर वो सब बात अलग है। शिरीष जी मैं आपको अब एक आंकड़ा दे रहा हूं जल्दी से, एकदम 9 अक्टूबर 18 अक्टूबर 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर और 10 अक्टूबर और 8 दिसंबर और 13 दिसंबर को मैंने लगातार पत्र लिखा है SECL को कि जितनी भी माइनिंग अभी है 8-9 खदाने जो संचालित है, चिरमिरी की अगर बात करूं तो उसमें कोल रिजर्व भरपूर है और उसका उपयोग होना चाहिए, उसका दोहन होना चाहिए, उसका उसके ऊपर मैं SECL के प्रबंधन के कान में जू तक नहीं देख रहा है कि भाई ये निरंकुशता क्यों आई है, मैं ये जानना चाहता हूं। ये निरंकुशता इसलिए आई है शिरीष जी कि आज जो कॉमर्शियल माइनिंग को मोदी जी ने चालू किया है, कोलगेट की बात आप करिए ना, कोलगेट में जो जो भी दोषी उनको सजा दीजिए, सबको अंदर कीजिए, जो भी अगर गलती हुई है केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार में, ये तो बड़े बड़े कोलगेट को बोल बोल के और लोकपाल ये सब को बोल बोल के ये तो सत्ता में आ गए, लेकिन अभी बात क्या करते हैं आप मेरे को बताइए। बात तो भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इन सब चीजों की हो रही है, खैर आज के विषय ये नहीं है श्रीष जी, लेकिन आज जो कोल क्षेत्र के लोगों की जो स्थिति है, आज कोल क्षेत्र में जो दरिद्रता आ रही है, आखिर में उसका रिहैबिलिटेशन कौन करेगा, कोल इंडिया का संचालन किसके द्वारा करता है, क्या राज्य सरकार का ये विषय है, राज्य सरकार केवल NOC देती है और NOC तो राज्य सरकार दे रही है श्री जी भाई, आखिर में वही तो बोल रहे हैं रजनी जी क्या बोल रहे हैं, रजनी जी ये बोल रहे हैं कि आपकी राज्य में सरकार है और आपकी पार्टी की सांसद इस मुद्दे को उठा रही है तो आपकी सरकार उसको NOC क्यों दे रही है, NOC क्यों नहीं देगी, और सांसद ने ये विषय को नहीं उठाया है श्री जी कि कोयले का जो खदान है वो नहीं खुलना चाहिए, सांसद जी ने इस विषय को उठाया है कि जो SECL का जो प्रबंधन है, जो केंद्र सरकार और कोल इंडिया, मेरे पास समय की कमी है, मैं रजनीश जी का एक कमेंट लेना चाहूंगा, रजनीश जी जो बात डॉक्टर विनय जयसवाल कर रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं, सीरीज ऑफ लेटर्स उन्होंने लिखे हैं और जो ज्योत्सना महंत जी का कहना है, क्या आपको लगता है कि जो वहां की जनता है जो परेशान हो रही है उसके लिए आपकी पार्टी की जो सांसद हैं बिलासपुर के या दूसरे क्षेत्रों के, चाहे रायगढ़ की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, क्या उनको ये बात केंद्र सरकार के सामने उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखिए सुरेश जी, मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब माननीय मंत्री जी आए थे अभी तीन महीना पहले, तो हमारे पार्टी के सांसदों ने जो वहाँ की जो बातें हैं मुख्य रूप से उनको रखा था और वो कोरबा में भी उनको किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि 2014 से लेकर 21 तक के 22 तक की यात्रा को देखें तो कोल क्षेत्र में जितने बहुत बड़ी बड़ी जो बातें परेशान है, जिनकी जमीन जा रही है वो परेशान है, जो भू विस्थापित वो परेशान है, तो सरकार को चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, और जो जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, वो उनको जनता के लिए अपनी मांग उठाना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी का जो आलाकमान है जिसकी भी सरकार है उस तक ये बात पहुंचाना चाहिए ताकि जो विस्थापित लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, उनको मुआवजा मिल सके और उनका जो वाजिब हक है वो उनको मिल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।